एक मुद्दा लेकर के नीतीश कुमार आए हैं और बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार की राजनीति के लिए कि उन्होंने एक संशोधन कराया जेल मैनुअल में और एक विलोपित करा दिया है एक शब्द जो वहां पर लिखा हुआ था कि किसी सरकारी सेवक की हत्या। तो इससे क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार को कितना राजनीतिक फायदा होगा? यह असंवैधानिक है, यह आर्बिट्ररी है, यह मनमाना है और कुछ वैसे लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए जो चुनाव में उनकी मदद कर सके इसके लिए और जेल मैनुअल में संशोधन किया गया। हम इसका घोर विरोध करते हैं। एक सरकारी सेवक की कोई हत्या कर देगा और आप ही ने संशोधन किया, नीतीश कुमार की सरकार ने 2016 में जेल मैनुअल में संशोधन किया कि अगर कोई आतंकवादी है, कोई बलात्कारी है तो या कोई सेवा के दौरान सरकारी सेवक की अगर हत्या कर देता है तो उसको रिमिशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप ही ने 2016 में संशोधन किया जेल मैनुअल में और 6 साल के बाद आप संशोधन करके उस एक लाइन को हटा रहे हैं, तो इससे बड़ा असंवैधानिक कार्य क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा बड़ा दलित विरोधी कार्य क्या हो सकता है? ये तो आर्बिट्ररी है, ये तो मनमाने तरीके से। इसमें एक अवधेश मंडल भी है और जो 27 लोग जिनको छोड़ा जा रहे तो शातिर दुर्दांत अपराधी हैं। देखिए, आनंद मोहन की रिहाई से हमारा विरोध नहीं है, लेकिन आप कानून में संशोधन करके, जेल मैनुअल में संशोधन करके और अगर 27 लोगों को छोड़ते हैं और वह भी जब एक दलित IAS अधिकारी की हत्या कर दी गई और उस व्यक्ति को आप इस संशोधन करके आप छोड़ रहे हैं, तब तो इस बिहार के अंदर जो हजारों सरकारी कर्मचारी हैं वो तो वल्नरेबल हो जाएंगे। उन पर कोई भी उनकी हत्या कर देगा और 12-13 साल के बाद छूट जाएगा। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि मेरी बहुत सारे अधिकारियों से बात हुई है और ये जो सरकारी सेवक की हत्या को जो विलोपित किया गया है इसको लेकर के काफ़ी अधिकारी जो है वो नाराज़ है। भले ही बता नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो लोग इसके खिलाफ हैं। उनको लगता है कि उनके ऊपर जो एक शील्ड था, एक जो कवच थी, वो ख़त्म हो गया। जैसे मैंने कहा, देखिए, हम आनंद मोहन के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से अवधेश मंडल, आनंद मंडल, 27 लोगों को रिहा किया जा रहा है कानून में संशोधन करके जेल मैनुअल में, और जो सरकारी कर्मचारी, वो तो हमला, उन पर तो हमला होना शुरू हो जाएगा। लोग, अपराधियों को मालूम है कि अगर उनकी हत्या कर देंगे और 27 लोग जिनको छोड़ा जा रहा है वो कौन लोग हैं? जिन लोगों ने सरकारी कर्मचारियों की सेवा के दौरान हत्या कर दिया, वैसे लोगों को आप रिहा कर रहे हैं। तो ये तो देखिए असंवैधानिक कार्य किया सरकार ने, और नीतीश जी को लगता है कि ऐसे लोगों को छोड़कर अगले चुनाव के अंदर उनका लाभ ले लेंगे, तो वो सपने में हैं, वो इसका लाभ नहीं लगता है कि ये जो जेल मैनुअल में जो संशोधन किया गया वो पूरी तरह से राजनीतिक है? पूरी तरह से राजनीतिक है और ये तो कोर्ट में कल चैलेंज होगा, और कोर्ट में चैलेंज न भी हो लेकिन इसको मुद्दा बनाएंगे, चूंकि आपने एक दलित की हत्या करने वाले व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए। अवधेश मंडल कौन है और जो 27 लोगों की लिस्ट निकाल कर देखिए कौन लोग हैं, उसमें अधिकांश दुर्दांत अपराधी हैं, उसमें पॉलिटिकल आदमी आनंद मोहन छोड़कर कोई भी नहीं है। अगर कोई अन्य प्रकार से आनंद मोहन को कोई लाभ पहुंचाया जाता तो समझ में आ सकता था, लेकिन जेल मैनुअल को आपने संशोधित कर दिया, जिस जेल मैनुअल का आपने 2016 में स्वयं नीतीश जी की सरकार ने, हमारी कैबिनेट ने संशोधन करके इन धाराओं को जोड़ा था कि कोई आतंकवादी की हत्या कर देगा, कोई पेरोल के दौरान किसी की हत्या कर देगा, किसी बलात्कारी की हत्या कर देगा, कोई बलात्कार करेगा, या सरकारी सेवा में कार्यरत लोगों की अगर कोई हत्या करता सेवा के दौरान तो उनको रिमिशन का लाभ नहीं मिलेगा। और आपने उसी सेक्शन को विड्रॉ कर लिया, इसी को हटा लिया। हम इसका घोर विरोध करते हैं और ये पूरी तरह से मनमाने तरीके से राजनीतिक लाभ लेने के लिए अगले चुनाव को ध्यान में रखकर इस प्रकार का संशोधन किया गया। एक आखिरी सवाल है कि कर्नाटक में अमित शाह ने कहा है कि जो रिजर्वेशन है मुस्लिम को वो उनकी सरकार आएगी तो नहीं होगा, आपको लग रहा है कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है? नहीं, देखिए, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है। मंडल कमीशन ने जो मुस्लिम जातियों को जो आरक्षण दिया है वो धर्म के आधार पर नहीं दिया है। जैसे दर्जी हिंदू में भी होता, मुसलमान में भी होता, नाई हिंदू में भी होता, मुसलमान में भी होता, वैसी जातियों को मंडल कमीशन ने आरक्षण दिया, बिहार में भी वो लागू है। लेकिन अगर केवल सारे मुस्लिम समुदाय को अगर आरक्षण दिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। संविधान भी ये इजाज़त नहीं देता है कि धर्म के आधार पर उस धर्म के सभी लोगों को और धार्मिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। आपने सुना सुशील मोदी जी को, तमाम वो मुद्दे जो देश भर में आने वाले समय में गूंजेगा और 2024 की लड़ाई में जारी रहेगा, ये सारी बातों पर सुशील मोदी बता रहे थे। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, ABP News, पटना।